दोस्तों ये जो क्रिप्टो है ना, ये आज के दिन रेगुलेटेड है या बैन होने वाला है, इसकी पूरी डिटेल लेते हैं। सुप्रभात दोस्तों, आप सभी का एसके हेल्थ एंड वेल्थ में स्वागत है। दोस्तों ये जो क्रिप्टो करेंसी जो एकदम बजवड़ हो रखा है पूरे मार्केट में, आज के दिन इंडिया में क्या स्टेटस है, वेदर रेगुलेटेड है, बैंड है, क्या उसका लीगल स्टेटस है और क्या फ्यूचर में हो सकता है, क्या उसका टैक्स स्टेटस है, सबकी बात करते हैं। दोस्तों एक चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो आदमी 10-20 हजार रुपया भी लगाता है अगर क्रिप्टो करेंसी में, तो ये एक बहुत बड़ी उम्मीद है कि हो सकता है, लेकिन लगाएंगे सिर्फ लार्ज कैप वाली जो बैंक है उसके अंदर, तो माइट भी 1-2 साल के अंदर ही इसकी रिटर्न 50,000-60,000 रुपया भी हो सकती है। तो इसमें परसेंटेज की कोई रिटर्न नहीं है, हो सकता है 300-400% की रिटर्न आ सकती है। आपने अभी जो चीज देखी होगी क्रिप्टो करेंसी लेके, आरबीआई हो चाहे पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना, उस चीज को लेके बहुत तकड़ी मशक्कत में लगी हुई है कि इसको रेगुलराइज कर दिया जाए या इसको बैन ही कर दिया जाए, जिससे कि पूरी समस्या ही खत्म हो जाए। लेकिन दोस्तों आप एक चीज का ध्यान दिए होंगे कि अभी जो इंडिया गवर्नमेंट है वो रेगुलेशन की तरफ ज्यादा बढ़ रही है, हो सकता है वो आइदर सेबी को या कोई दूसरी एजेंसी के अंडर में इसको दे के रेगुलराइज कर सकती है, ऐसी संभावना बन रही है। दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि कंटिन्यूस जो चैनल है उसकी प्रोग्रेस हो रही है आप लोग के सपोर्ट से। अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और अपने जो भी नियर एंड डियर हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ शेयर करें, लाइक करें और उनको भी आपकी जानकारी का बेनिफिट प्रदान करें। दोस्तों आप सब ने एक चीज मार्क की होगी, इस बार की बजट में अपने फाइनेंस मिनिस्टर ने उसके ऊपर 30% का टैक्स स्लैब नया इंट्रोड्यूस किया है। इससे ये लगता है कि इंडिया गवर्नमेंट इसको बहुत जल्दी ही बैन करने की स्थिति में नहीं है। दूसरी एक चीज और आप देखे होंगे कि इतना तकड़ा वॉल्यूम हो रहा है इसके अंदर, और दूसरी यंग जनरेशन जो है ना एकदम पागलों की तरह इसके अंदर इन्वेस्ट कर रही है, उसको खरीद रही है। दूसरा एक चीज और आप मार्क करेंगे, अक्रॉस द वर्ल्ड इस चीज के अंदर बहुत तकड़ी ट्रेडिंग हो रही है। इवन 1-2 कंट्री ने तो इस करेंसी को ही लीगलाइज कर दिया है। इससे ये चीज समझ में आ रही है कि पूरा विश्व में जो है इसकी एक अलग धूम है। इसलिए ये फीलिंग आ रही है, गट फीलिंग कह सकते हैं, कि जल्दी से बैन लगना नहीं चाहिए, नहीं तो उसका बहुत बड़ा विरोध हो सकता है। इसलिए गवर्नमेंट बहुत बड़ी डायलिमा में है कि अपने को क्या डिसीजन लें और कैसे लें। दोस्तों स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अलग अलग एवेन्यू में इन्वेस्ट करते रहो।